नमस्कार, मैं हूं नेहा साहिन। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 24 अगस्त दिन शनिवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। राज्य पर्यटन विभाग की नई योजना, हर प्रखंड में एक नया पर्यटन स्थल होगा विकसित। बिहार में शिक्षा क्षेत्र में सुधार, विश्वविद्यालयों के वित्तीय खातों की होगी पूरी समीक्षा। बिहार बोर्ड ने मैट्रिक परीक्षा के रजिस्ट्रेशन की तिथि बढ़ाई। अब रेल यात्रा होगी आसान, ट्रेन खुलने के 4 घंटे पहले मिल जाएगी सारी जानकारी। जमीन सर्वे के लिए कोई अफसर या स्टाफ घुस मांगे तो करिए इस नंबर और ईमेल पर शिकायत। आईपीएल की 5 ट्रॉफियों के बाद भी थमने को तैयार नहीं रोहित शर्मा। अब चलिए बढ़ते हैं अब तक के 25 खबरों की ओर विस्तार से। आईबीपीएस ने पीओ और एसओ पदों के लिए आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाई। इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन आईबीपीएस ने पीओ और एसओ पदों पर आवेदन की अंतिम तिथि को बढ़ा दिया है। बता दें, पहले आवेदन की अंतिम तारीख 21 अगस्त थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 28 अगस्त कर दिया गया है। जिन उम्मीदवारों ने पहले आवेदन नहीं दिया था, वे इस बढ़ी हुई तिथि तक अपना आवेदन जमा कर सकते हैं। इस भर्ती ड्राइव के तहत पीओ के 4455 और एसओ के 896 पद भरे जाएंगे। इच्छुक उम्मीदवार आईबीपीएस के आधिकारिक वेबसाइट ibps.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं और विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जमीन सर्वे के लिए कोई अफसर स्टाफ घुस मांगे तो करिए इस नंबर और ईमेल पर शिकायत। राज्य के सभी 534 अंचलों में भूमि सर्वे की शुरुआत हो चुकी है। इसके तहत 45,862 गांव की जमीन का विशेष सर्वेक्षण किया जा रहा है, लेकिन सर्वे में लोगों को हो रही दिक्कतों को देखते हुए भूमि राजस्व मंत्री दिलीप जायसवाल ने लोगों की शिकायतों के लिए अपना नंबर और ईमेल आईडी सार्वजनिक किया है, जिस पर लोग अपनी शिकायतें दर्ज कर सकते हैं। मंत्री दिलीप जायसवाल ने आम लोगों के लिए अपना निजी मोबाइल नंबर 94309 11111 और मेल आईडी revenueminister.bihar@gmail.com जारी किया है, जिस पर शिकायत दर्ज कराया जा सकता है। भूमि राजस्व मंत्री दिलीप जायसवाल ने अपने विभाग के पदाधिकारियों को चेतावनी दी है कि पदाधिकारी अपनी कार्यशैली में बदलाव लाएं, नहीं तो कार्रवाई के लिए तैयार रहें। राज्य पर्यटन विभाग की नई योजना, हर प्रखंड में एक नया पर्यटन स्थल होगा विकसित। राज्य पर्यटन विभाग ने एक नई योजना की शुरुआत की है, जिसके तहत प्रत्येक प्रखंड में एक पर्यटन स्थल की पहचान की जाएगी और उसे विकसित किया जाएगा। इसके जरिए न सिर्फ नए पर्यटन स्थल सामने आएंगे, बल्कि घरेलू पर्यटकों की संख्या भी बढ़ जाएगी। इस योजना के तहत आम लोगों की राय को प्राथमिकता दी जाएगी। लोग अपने प्रखंड के किसी भी प्रमुख स्थल की खासियत बताते हुए पर्यटन विभाग को सुझाव दे सकते हैं। इन सुझावों को प्रखंडवार सूचीबद्ध किया जाएगा और फिर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित कमेटी द्वारा इनका चयन किया जाएगा। शौचालय स्वच्छता पर हाईकोर्ट का बड़ा निर्देश, रिपोर्ट पेश करने के लिए 2 सप्ताह का समय। पटना हाईकोर्ट ने राज्य में छात्राओं के लिए स्वच्छ शौचालयों और अन्य सुविधाओं के अभाव को लेकर गंभीर चिंता जताई है। चीफ जस्टिस केवी चंद्रन के खंडपीठ ने इस मामले में सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को प्रगति रिपोर्ट दायर करने के लिए 2 सप्ताह का समय दिया है। कोर्ट ने पिछली सुनवाई में राज्य सरकार को निर्देश दिया था कि सभी स्कूलों में छात्राओं की संख्या के अनुपात में शौचालयों और सैनिटरी नैपकिन नष्ट करने वाली मशीनों की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। इसके साथ ही स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव को इस विषय पर एक कमेटी गठित करने का आदेश भी दिया गया था। मामले पर अगली सुनवाई 2 सप्ताह बाद होगी। बिहार बोर्ड ने मैट्रिक परीक्षा के रजिस्ट्रेशन की तिथि बढ़ाई। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने मैट्रिक परीक्षा के रजिस्ट्रेशन की तिथि को बढ़ा दिया है। अब छात्र 30 अगस्त 2024 तक विलम्ब शुल्क के साथ अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। पहले की अंतिम तिथि 21 अगस्त 2024 थी। सिवान के जिला शिक्षा पदाधिकारी ने बताया कि छात्र हित को ध्यान में रखते हुए बोर्ड ने यह निर्णय लिया है। 30 अगस्त तक नियमित कोटे के छात्रों को ₹450 और स्वतंत्र कोटे के छात्रों को ₹850 विलंब शुल्क के साथ रजिस्ट्रेशन करना होगा। इसके बाद विद्यालय प्रधानाध्यापकों को 27 अगस्त तक सभी रजिस्ट्रेशन फॉर्म बोर्ड को भेजने होंगे। रजिस्ट्रेशन करने के लिए छात्र हमारे स्क्रीन पर दिखाए गए वेबसाइट पर जा सकते हैं और आवेदन कर सकते हैं। अब रेल यात्रा होगी आसान, ट्रेन खुलने के 4 घंटे पहले मिल जाएगी सारी जानकारी।
बिहार के यात्रियों के सफर को सुगम बनाने के लिए रेलवे ने बड़ी तैयारी कर ली है। रेलवे ने एक ऐसी सिस्टम लॉन्च की है जिसमें 4 घंटे पहले ही ट्रेनों के परिचालन से जुड़ी सारी जानकारियां उपलब्ध हो जाएंगी। इस सिस्टम का नाम है ऑटोमेटेड पैसेंजर इन्फॉर्मेशन सिस्टम। इसकी लॉन्चिंग पूर्व मध्य रेल के GM छत्रसाल सिंह ने गुरुवार को बिहार के हाजीपुर स्थित मुख्यालय सभा कक्ष में की। शुरुआती फेज में पूर्व मध्य रेल के मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, बरौनी, बापूधा, मोतिहारी, बेतिया, दरभंगा, मधुबनी, जयनगर समेत छोटे बड़े करीब 500 स्टेशनों को ऑटोमेटेड पैसेंजर इन्फॉर्मेशन सिस्टम से लैस किया जाएगा। शिक्षा विभाग के पदाधिकारियों को मिली अतिरिक्त जिम्मेवारी। बिहार सरकार ने शिक्षा विभाग में महत्वपूर्ण फेरबदल किए हैं। प्राथमिक शिक्षा उपनिदेशक नीरज कुमार को बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड के सचिव का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। इसके साथ ही शिक्षा विभाग के उप सचिव शाहजहां को बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड के सचिव का अतिरिक्त प्रभार मिला है। उप सचिव अजीत सरन को बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड के परीक्षा नियंत्रक का जिम्मा दिया गया है। अवर सचिव उपेंद्र कुमार को बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड के उप सचिव का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। संयुक्त सचिव संजू कुमारी को विश्वविद्यालय के प्रभारी पदाधिकारी की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं प्रशाखा पदाधिकारी आमोद कुमार मिश्र को विश्वविद्यालय के वेतन सत्यापन का कार्यभार सौंपा गया है। RBI के नए नियमों से मिलेगा बार बार रिचार्ज के झंझट से छुटकारा, जानिए कैसे। भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जारी किया है जिससे बैंकों और ग्राहकों के लिए कई सुविधाएं बढ़ेंगी। नए नियमों के तहत फास्टैग और नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड जैसी सेवाओं के लिए ऑटो रिप्लेसमेंट के लिए प्री डेबिट नोटिफिकेशन की आवश्यकता नहीं होगी। इसके अलावा इन सेवाओं को अब ई मैंडेट फ्रेमवर्क में शामिल किया गया है। इसका मतलब ये है कि जैसे ही फास्टैग या नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड का बैलेंस तय सीमा से नीचे आता है, आपके खाते से स्वतः पैसे जुड़ जाएंगे। इससे फास्टैग यूजर्स को बार बार रिचार्ज करने की झंझट से निजात मिल जाएगी। इंटर पास बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार का सुनहरा मौका। 28 अगस्त को श्रम संसाधन विभाग बेगूसराय जिला नियोजालय में जॉब कैंप का आयोजन किया गया है। ये कैंप सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक रहेगा जिसमें लोन ऑफिसर के 60 पदों पर बहाली की जाएगी। इसमें 18 से 28 साल की कोई भी इंटर पास युवा भाग ले सकते हैं। कैंप में भाग लेने के लिए इच्छुक लोग अपने बायोडाटा, आधार कार्ड, पैन कार्ड, शैक्षणिक प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, बैंक का पासबुक, DL, बाइक का पेपर और पासपोर्ट साइज के 2 रंगीन फोटो के साथ जिला नियोजालय में जाना होगा। जो अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाए हैं वे NCS पोर्टल www.ncs.gov.in पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। बिहार पर्यटन में आज हम बात करेंगे खगड़िया के बारे में। खगड़िया बिहार का एक जिला है, इसका मुख्यालय खगड़िया में ही है। खगड़िया को नदियों का नहर कहा जाता है क्योंकि ये जिला 7 नदियों और 54 धारा उपधारा से घिरा हुआ है। अगर आप घूमने की प्लानिंग कर रहे हैं तो खगड़िया जा सकते हैं। यहाँ पर कई ऐसी जगह हैं जहाँ आप घूमने जा सकते हैं। कात्यायनी मंदिर, सन्हौली दुर्गा स्थान, गायत्री शक्तिपीठ, श्यामलाल नेशनल हाई स्कूल, अजगैबीनाथ महादेव, पीर पहाड़, महात्मा गांधी पार्क, चंडी स्थान, मदीना मस्जिद, नवगछिया कुंड, गोगरी जमालपुर, कन्हैया स्थान मंदिर, हराही तालाब, आप चाहे तो इन जगहों को खगड़िया में एक्सप्लोर कर सकते हैं। पूर्णिया में हवाई सेवा का सपना साकार, नीतीश कुमार की हाई लेवल बैठक आज। बिहार के सीमांचल क्षेत्र की प्रमुख शहर पूर्णिया के आसमान से हवाई सेवा कारोबार पूरा होने वाला है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पहल के बाद पूर्णिया एयरपोर्ट को लेकर सारी बाधाएं दूर हो जाएंगी। 2025 में पूर्णिया एयरपोर्ट से विमान सेवा की शुरुआत भी हो जाएगी। CM नीतीश कुमार के संबंध में आज हाई लेवल बैठक होने वाली है। इसमें पटना और दिल्ली तक के अधिकारी शामिल होंगे। कागजों में अजकोले खा रही पूर्णिया में हवाई अड्डे की योजना अब धरातल पर मूर्त रूप लेगी। पूर्णिया एयरपोर्ट को लेकर लंबे समय से प्रयासरत सामाजिक कार्यकर्ता विजय श्रीवास्तव ने मुख्यमंत्री की प्रस्तावित बैठक के निर्णय पर खुशी जताई है। दुर्घटना का शिकार होने पर अब पुलिसकर्मियों को मिलेगा 2.5 करोड़ तक का लाभ। बिहार पुलिस के सेवारत कर्मियों को दुर्घटनाओं के मामले में अब 2.30 करोड़ तक की राशि मिल सकती है। बिहार पुलिस और बैंक ऑफ बड़ौदा के
बिहार पुलिस और बैंक ऑफ बड़ौदा के बीच हाल ही में हुए ऐतिहासिक समझौते के तहत कर्मियों और उनके परिवारों को उन्नत बैंकिंग और बीमा सेवाएं प्रदान की जाएंगी। बिहार पुलिस के सेवारत कर्मियों को अब दुर्घटना पर 2.5 करोड़ रुपए तक की सहायता मिलेगी। बता दें कि पहले जहां व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा कवर 5 से 20 लाख तक था, जो इस साल जुलाई में बढ़कर 50 लाख तक हुआ था, उसे इस विशेष सैलरी पैकेज में बढ़ाकर 1.5 करोड़ कर दिया गया है। साथ ही कई अतिरिक्त लाभ भी दिए जा रहे हैं। कुल मिलाकर 2.5 करोड़ तक मिलने की संभावना है। बिहार में शिक्षा के क्षेत्र में सुधार, विश्वविद्यालय के वित्तीय खातों की होगी पूरी समीक्षा। बिहार के विश्वविद्यालयों में वित्तीय अनुशासन के लिए सरकार का दखल अब और बढ़ गया है। राज्य सरकार ने विश्वविद्यालय के खातों की जांच तेज कर दी है और हर विश्वविद्यालय में अकिंचक तैनात कर दिए गए हैं। मुख्य फोकस उन खातों पर है जिनमें वर्षों से बिना उपयोग की राशि जमा पड़ी है। खासकर पीएल अकाउंट्स में जमा राशि को लेकर चिंता बढ़ गई है। शिक्षा विभाग के अनुसार इन पीएल अकाउंट्स में कुल 2000 करोड़ रुपए जमा है, जो पिछले 2 दशकों से बिना किसी उपयोग के पड़े हुए हैं। विभाग ने जब कुलपतियों से इस राशि की वापसी का कारण पूछा तो संतोषजनक जवाब नहीं मिला। विभाग के बढ़ते दबाव के चलते मौलाना मजहरुल हक आरबी और फारसी विश्वविद्यालय ने 5.5 करोड़ रुपए विभाग को लौटाए हैं और कई अन्य विश्वविद्यालय भी अपनी जमा राशि लौटाने की तैयारी में है। पटना हाईकोर्ट फार्मासिस्टों की कमी पर अगली सुनवाई की तारीख 6 सितंबर तय की। पटना हाईकोर्ट ने बिहार में निबंधित और योग्य फार्मासिस्टों की कमी के मुद्दे पर सुनवाई की है। चीफ जस्टिस केवी चंद्रन की खंडपीठ ने इस मामले में जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए याचिकाकर्ता को निर्देश दिया है कि बिहार स्टेट फार्मेसी काउंसिल को इस मामले में पार्टी बनाया जाए। बता दें ये जनहित याचिका मुकेश कुमार ने दायर की है। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता प्रशांत सिन्हा ने कोर्ट को बताया था कि राज्य में लगभग 10,000 अस्पताल हैं, जबकि निबंधित फार्मासिस्टों की संख्या 600 से कुछ अधिक है। इस गंभीर मुद्दे पर अगली सुनवाई 6 सितंबर को होगी। बिहार सिपाही भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले में चार्जशीट दाखिल, कई नामी व्यक्तियों के नाम शामिल। बिहार में 2023 में आयोजित सिपाही भर्ती परीक्षा पेपर लीक कांड में आर्थिक अपराध इकाई ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पटना सिविल कोर्ट स्थित साइबर कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी है। केंद्रीय चयन पर्षद द्वारा पिछले वर्ष 1 अक्टूबर को आयोजित इस परीक्षा के पेपर लीक मामले में आरोप पत्र में कई नामी व्यक्ति शामिल हैं। चार्जशीट में पेपर लीक गिरोह के सरगना संजीव मुखिया के बेटे डॉक्टर शिव उर्फ बिट्टू और उसके मुख्य सहयोगी अश्विनी रंजन उर्फ सोनू, बिक्की कुमार, अभिषेक समेत प्रिंटिंग प्रेस के मालिक और साजिश में शामिल प्रेस के कर्मियों के नाम शामिल हैं। इन सभी पर संगठित तरीके से पेपर लीक करने और सोशल मीडिया पर प्रश्न पत्र को वायरल करने का आरोप है। इस कांड में शामिल सभी आरोपियों को कड़ी सजा दिलाने के लिए सरकार और कानून एजेंसियों की कोशिशें तेज हो गई है। ट्रेनों में कन्फर्म सीट पाना हुआ मुश्किल। रक्षाबंधन के साथ ही त्योहारी सीजन की शुरुआत हो गई है, लेकिन इस साल ट्रेनों में टिकट की किल्लत ने यात्रियों को परेशानी में डाल दिया है। खासकर बिहार के मुजफ्फरपुर, भागलपुर, कोसी, सीमांचल समेत अन्य जिलों और नेपाल के लोगों, प्रवासी जो दुर्गा पूजा, दिवाली और छठ का त्यौहार अपने परिवार के साथ मनाने के लिए घर लौटना चाहते हैं, उन्हें ट्रेनों में कन्फर्म टिकट मिलना मुश्किल हो रहा है। IRCTC की बुकिंग खुलते ही टिकट के लिए मारामारी शुरू हो जाती है। अभी से वेटिंग टिकट मिल रहे हैं और दिवाली और छठ पूजा में समय भले ही दूर है, लेकिन सीटें भर रही हैं। कई ट्रेनों में डायनेमिक प्राइजिंग सिस्टम लागू है, जिसके तहत सीटें भरने के साथ ही टिकट की कीमतें भी बढ़ जाती हैं, जिसके कारण यात्री परेशान हैं। बिहार में उमस भरी गर्मी से लोगों को मिलेगी राहत। बिहार का मौसम खुशनुमा बना हुआ है। गर्मी और उमस से लोगों को राहत मिल सकती है। आज हल्की सी मध्यम बारिश की संभावना है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद और अरवल में बारिश की संभावना है। वहीं नालंदा और जहानाबाद में बारिश का अनुमान है। आज अधिकतम तापमान 34 से 36 और न्यूनतम तापमान 26 से 28 डिग्री रहने की संभावना है। शत्रुघ्न सिन्हा ने बेटी सोनाक्षी और जहीर की शादी को लेकर अफवाहों को किया खारिज।
बॉलीवुड की चर्चित एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा और उनके बॉयफ्रेंड जहीर इकबाल की शादी को अब 51 दिन हो चुके हैं, लेकिन शादी के बाद से कई तरह की अफवाहें भी उड़ रही हैं। कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया है कि सोनाक्षी के दोनों भाई इस शादी से खुश नहीं हैं। उनके पिता शत्रुघ्न सिन्हा भी बेटी की शादी से नाराज हैं। अब इन अफवाहों पर शत्रुघ्न सिन्हा ने स्पष्ट किया है कि शादी का मामला है, अगर बच्चों ने शादी कर ली है तो ये गैर कानूनी या गैर संवैधानिक नहीं है। उन्होंने हमारी मर्जी और हमारे आशीर्वाद से ऐसा किया है, हम उनकी खुशी में शामिल हैं। शिवराज सिंह चौहान बोले, किसानों को अच्छी क्वालिटी के बीज कराए जाएंगे उपलब्ध। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान बीते दिन बिहार दौरे के दौरान पटना में कृषि भवन में किसानों से संवाद किया। उन्होंने किसानों को आश्वस्त किया कि केंद्र सरकार बिहार के किसानों को उच्च गुणवत्ता वाले बीज उपलब्ध कराएगी और राज्य में चौथे कृषि रोडमैप को लागू करने में पूरी मदद करेगी। शिवराज सिंह चौहान ने इस दौरान मखाना, चाय और मशरूम की खेती के विषय में भी जानकारी ली और बताया कि ICAR बिहार में बीज उत्पादन करेगा। उन्होंने कहा कि भारत सरकार मक्का, दलहन और धान के उत्कृष्ट बीजों की उपलब्धता सुनिश्चित करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। भाई के बचाव में उतरे विधायक रीतलाल यादव, कहा हमने अपने भाई को ऐसे संस्कार नहीं दिए। बीते दिन अपराधियों ने एम्स के मुख्य सुरक्षा अधिकारी PM राय पर गोलीबारी कर दी। इस वारदात का आरोप दानापुर से राष्ट्रीय जनता दल के बाहुबली विधायक रीतलाल यादव के भाई पर लगाया जा रहा है। वहीं दानापुर के राजद विधायक रीतलाल यादव ने इस गंभीर आरोप को नकारते हुए कहा कि ये आरोप पूरी तरह से आधारहीन है। उन्होंने स्पष्ट किया कि उनके परिवार में इस तरह की गतिविधियों को लेकर कोई भी संस्कार नहीं दिया गया है। विधायक ने यह भी दावा किया है कि अगर उनके भाई इस मामले में दोषी पाए जाते हैं तो वे खुद उन्हें कानून के हवाले कर देंगे। IPL के 5 ट्रॉफियों के बाद भी थमने को तैयार नहीं रोहित शर्मा। भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा अगले साल होने वाले 2 महत्वपूर्ण खिताबों की ओर ध्यान दे रहे हैं। अगले साल पाकिस्तान में आयोजित होने वाले चैंपियंस ट्रॉफी और ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल के लिए रोहित शर्मा पूरी तरह से तैयार हैं। रोहित शर्मा ने हाल ही में कहा कि उनके अंदर खिताब जीतने की गहरी भूख है और 5 IPL ट्रॉफियों की जीत इस बात का प्रमाण है। उन्होंने सीएट क्रिकेट अवार्ड्स के दौरान बताया कि एक बार जीत का स्वाद चखने के बाद रुकना मुश्किल होता है, मैं रुकने वाला नहीं हूं। हालांकि नए कोच गौतम गंभीर के साथ रोहित की टीम की शुरुआत चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारी में कुछ खास अच्छी नहीं रही। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। आज ही के दिन सन 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला जहाज हेक्टर सूरत के तट पर पहुंचा था। आज ही के दिन सन 1690 में जॉब चार्नक कलकत्ता में आकर बसे थे। आज ही के दिन 1690 में कोलकाता शहर का स्थापना था। आज ही के दिन सन 1969 में वराहगिरी वेंकट गिरी भारत के चौथे राष्ट्रपति बने। आज ही के दिन 1927 में भारत की महिला क्रिकेटर दीप्ति शर्मा का जन्म हुआ था। आज ही के दिन 1927 में भारतीय अभिनेत्री फिल्म निर्माता अंजलि देवी का जन्म हुआ था। आज ही के दिन 1924 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राजनीतिज्ञ राम निवास मिद्रा का जन्म हुआ था। आज के दिन 2019 में भारत सरकार के भूतपूर्व मंत्री अरुण जेटली का निधन हो गया था। भारत में AI प्रतिभा की बड़ी मांग, रिपोर्ट में किया गया दावा। भारत का लक्ष्य AI में वैश्विक लीडर बनाना है। हाल ही में डेलाइट इंडिया नेस्कॉम की साझेदारी में जारी की गई एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत के AI प्रतिभा की मांग 2027 तक 12.5 लाख से भी अधिक हो सकती है। रिपोर्ट में बताया गया है कि देश के AI बाजार में 2022 से 2007 की अवधि में 25 से 35% की वृद्धि होने की उम्मीद है। बीते दिन मामूली बढ़त के साथ बंद हुआ श्रेयर टाटा मोटर्स के शेयरों में तेजी। बीते दिन शेयर बाजार में मामूली बढ़त देखने को मिली है। सेंसेक्स 33.02 अंकों या 0.04% की तेजी के साथ 81,086.21 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 50 अंकों की बढ़त के साथ 24,823.15 पर बंद हुआ। सेंसेक्स में टाटा मोटर्स के शेयरों ने 1.53% बढ़त दर्ज की है, जबकि सन फार्मा, भारतीय एयरटेल और ICICI बैंक के शेयर में 1% से अधिक की तेजी के साथ बंद हुए। हालांकि कुछ प्रमुख कंपनियों के शेयरों में गिरावट देखने को मिली है।
बगहा वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में बाघ की मौत। पश्चिम चंपारण के बगहा वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के मंगुराहा वन क्षेत्र में एक बाघ का शव मिला है, जिसके शरीर पर गंभीर चोटों के निशान हैं और वे खून से लथपथ था। वनकर्मियों ने बताया कि ये बाघ करीब 8 साल का था और उसकी मौत 2 दिन पहले की प्रतीत हो रही है। डीएफओ प्रदुमन गौरव ने बताया कि प्रारंभिक जांच से ये अंदेशा है कि इस बाघ की मौत 2 बाघों के बीच आपसी लड़ाई के कारण हो सकती है। इस बाघ का पोस्टमार्टम कराया जाएगा और इसका बिसरा वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया देहरादून और इंडिया वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट बरेली भेजा जाएगा, ताकि बाघ की मौत के कारणों का सही पता लगाया जा सके। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल और उसके जवाब बताएंगे जो कि बीपीएससी, बिहार पुलिस, दारोगा समेत एसएससी जैसी अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवाल में आपने कितना सही उत्तर दिया, ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारा पहला सवाल है, 1830 के दशक में पटना नगर केंद्र था। ऑप्शन ए है वहाबी आंदोलन का, ऑप्शन बी है मुंडा विद्रोह का, ऑप्शन सी है सन्यासी विद्रोह का और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा वहाबी आंदोलन का। भारत के किस राज्य में खेलो इंडिया अस्मिता योगासन लीग शुरू हुई है? ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है बिहार, ऑप्शन सी है झारखंड, ऑप्शन डी है छत्तीसगढ़। इसका सही आंसर होगा बिहार। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए है 23 अगस्त, ऑप्शन बी है 21 अगस्त, ऑप्शन सी है 20 अगस्त और ऑप्शन डी है 19 अगस्त। इसका सही आंसर होगा 23 अगस्त। डिजिटल समन और वारंट नियमों को औपचारिक रूप देने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? ऑप्शन ए है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी है पंजाब, ऑप्शन सी है मेघालय और ऑप्शन डी है मध्य प्रदेश। इसका सही आंसर होगा मध्य प्रदेश। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब दिया है उनके नाम हैं मुन्ना प्रसाद, प्रतम कुमार, त्रिलोकीनाथ सिंह, मोतीलाल कुमार, चांदनी दुबे, बिंदा शर्मा, उमेश वर्मा, सुभाष कुमार, राम बाबू दास, विनय कुमार, नूनू गोलू, कस्तूरी शर्मा, रवि कुमार सिंह, उमेश ऋषिदेव, नैन्सी कुमारी, प्रेम कुमार, राजीव कुमार, कुमारी अलका, संजीव कुमार, जीतू कुमार गिरी, रंजीत मिश्रा, सादुल्ला पलवी, सुमित सिंह, प्रियंका, अर्जुन राम, अरुणा देवी, जयप्रकाश कुमार, सुधीर ठाकुर, शेखर कुमार, मनीषा कुमारी, मनोज यादव, ब्रजेश शाह, रूबी देवी, रवि शंकर। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, अब तक की देखी हुई फिल्म में आपको सबसे अच्छी फिल्म कौन सी लगी? हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज़। और साथ ही अगर आप YouTube से देख रहे हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, और अगर आप Facebook से देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।